नमस्कार, एससी न्यूज की खास बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत सरकार ने लद्दाख सीमा पर चीन के साथ बढ़ते विवाद के बीच भारतीय सेना को दी 500 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने की इजाजत। दिल्ली पुलिस को मिले एक अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने राजधानी के सभी बॉर्डरों पर शुरू किया तलाशी अभियान। मिली खबर के मुताबिक 4 कुख्यात आतंकवादियों ने की दिल्ली में घुसपैठी। आतंकवादियों का लश्कर ए तैयब या जैश ए मोहम्मद के संगठनों से होने का लगाया जा रहा है अनुमान। उत्तर रेलवे ने तकनीकी कार्यों की वजह से बिहार की क्रांति और शहीद एक्सप्रेस समेत कुछ ट्रेनों के रूट को आशंकित रूप से किया डाइवर्ट। कोरोना को लेकर एक्शन में आई बंगाल की सीएम ममता बनर्जी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ 24 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक। राज्य में अब तक संक्रमितों की संख्या 13,000 के पार। सैलानियों के लिए आई एक बड़ी खबर, अब 7 जुलाई से पर्यटक कर सकेंगे दुबई की यात्रा। सफर करने के लिए यात्रियों को पेश करना होगा एक कोरोना निगेटिव सर्टिफिकेट। हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोना के चलते बड़ी लापरवाही, प्रदेश में 17 कोरोना मरीज हुए गायब। शहर से पहले भी 67 मरीज हो चुके हैं गायब। लॉकडाउन में 2 महीने से धंधा बंद होने के कारण अजीब बीमारी से ग्रस्त हुआ झारखंड का एक युवक। मानसिक तनाव के कारण हुई एक अजीब सी बीमारी जिसमें मूर्ति की तरह खड़ा रहता है युवक। पूरे विश्व में एकमात्र संत रामपाल जी ही बताते हैं शास्त्र अनुसार भक्ति साधना, जिसको करने से उनके लाखों अनुयायियों की आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और भौतिक परेशानियां हो जाती है पल भर में दूर। आज होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ दी मंजूरी। कोरोना के चलते इस साल सार्वजनिक भागीदारी के बिना ही आयोजित की जाएगी रथ यात्रा, जिसके चलते शहर में 24 जून तक रहेगा पूर्ण रूप से शटडाउन। नहीं रहे भारत में जन्मे प्रसिद्ध पाकिस्तानी शिया विद्वान तालिब जौहरी, 81 साल की उम्र में हुआ कराची के एक अस्पताल में निधन। आंध्र प्रदेश में परीक्षा में फेल होने पर एक छात्रा ने कर ली आत्महत्या। हादसे के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री ने 10th और 12th क्लास की सप्लीमेंट्री परीक्षा कैंसिल करने की घोषणा। पूर्वी काबुल में कुछ बंदूकधारियों ने अफगानिस्तान के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय की एक कार पर की ताबड़तोड़ गोलीबारी। हादसे में 2 अभियोजक सहित 5 लोगों की हुई मौत। 2 मीटर ऊपर जल स्तर के उठने से अब कभी भी ढह सकता है चीन का 3 गोज डैम। चीन के जल वैज्ञानिक ने जताया खतरा। भारतीय अमेरिकी शेफ विकास खन्ना भारत में विधवा दिवस पर बांटेंगे 5 लाख फूड पैकेट। विशेषकर विधवाओं और बुनकरों को बांटेंगे खाद्य सामग्री। अब विदेश में फंसे पाकिस्तानी नागरिक लौट सकेंगे स्वदेश। प्रधानमंत्री इमरान खान ने इंटरनेशनल उड़ानें शुरू करने का लिया फैसला। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक इंडोनेशिया के माउंट मेरोपी में हुआ भारी विस्फोट। लावा का कोप ज्यादा होने से 6 किलोमीटर ऊंचाई तक निकलने लगी राख। कोरोना से सावधानी बरतने के लिए राजस्थान सरकार ने शुरू किया 10 दिन का विशेष जागरूक अभियान। सीएम अशोक गहलोत ने कहा अनलॉक को भी लॉकडाउन ही समझें। मद्रास हाईकोर्ट ने एक दलित दामाद की हत्या के लिए फांसी पर जा चुके शख्स को किया बरी। वकील ने निराशा जताते हुए कहा सत्य होते हुए भी नहीं हो सका सच साबित। वहीं फैसले को इंसाफ न मानते हुए बेटी ने चिंतित होकर जताई हैरानी। 1535 लोगों के एक सर्वे के बाद ब्रिटेन में कई पीढ़ियों से रह रही अश्वेत आबादी ने माना कि पुलिस उनसे सम्मान से नहीं आती है पेश। देश में कोविड-19 का पॉजिटिव रेट बढ़कर हुआ 10%। पिछले 24 घंटों में हुई 143,267 सैंपल्स की जांच। 24 घंटे में दुनिया में कोरोना के 183,000 नए केस आए सामने। वहीं ब्राजील में मौत का आंकड़ा हुआ 50,000 के पार। इंदौर में एक 4 वर्षीय बच्ची समेत 150 से ज्यादा मरीजों ने घर में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करके कोविड-19 को हराया। दिल्ली की जेल में बंद एक कैदी की हुई अचानक मौत। मृत्यु के बाद कोरोना का टेस्ट कराने पर निकला कोरोना पॉजिटिव। शिक्षित समाज होने के बावजूद भी लोगों की मानसिकता से दहेज रूपी घातक कीड़ा नहीं निकल पा रहा है। लेकिन दूसरी ओर संत रामपाल जी द्वारा निर्मित समाज को देखा जाए तो दहेज को जहर के तुल्य समझते हैं। इसी विचारधारा से ओतप्रोत होकर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला में विजेंद्र झा निवासी करैरा, कीर्ति झा निवासी ललितपुर यूपी का विवाह बहुत ही सादा तरीके से हुआ। 17 मिनट में है शादी बिना फिजूल खर्चे के संपन्न हुई। और इसी तरह बिहार के बक्सर जिले में भी एक जोड़े की दहेज रहित शादी हुई। और आज का ऐसे न्यूज का सवाल, भारतीय मीडिया के बारे में अपने 2 शब्द कहें। आप सभी के कमेंट्स को कल ऐसे न्यूज के बुलेटिन में दिखाया जाएगा।